दिस इज शिखा आनंद एंड हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे थे. फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं. फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं. और ये सेकंड वीडियो है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. Law of DMU states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. जैसे जैसे हम किसी भी commodity की units को consume करते जाते हैं, वैसे वैसे जो marginal utility derived हो रही होती है उस additional unit को consume करने से वो कम होती जाती है. फिर से रिपीट करती हूँ. जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे पहले हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे, फिर हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, थर्ड कंज्यूम करेंगे, तो जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी. अब एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप समझ जाएंगे अच्छे से. मान लीजिए कि गर्मियों का मौसम है और आप बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे. अब आप घर आते हैं तो आपको बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो अब आप पानी पियेंगे. तो अब आप जैसे ही आप पहला ग्लास पानी पियेंगे, तो उस पहले ग्लास पानी पीने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा पानी पी के, वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको बहुत जोर से प्यास लग रही थी. तो जैसे ही आपको पानी मिलेगा आपको बहुत बेटर फील होगा, आपकी जो प्यास होगी वो बुझ जाएगी और जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा. अब आप फर्स्ट ग्लास आपने पी लिया, उसके बाद आप दूसरा ग्लास पानी का पीते हैं, तो जैसे ही आप दूसरा ग्लास पानी का पियेंगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि जो आपकी नीड थी वो आपके फर्स्ट ग्लास से पूरी हो चुकी थी. आपको बहुत जोर से प्यास लग रही थी, वो प्यास थोड़ी सी कम हो गई थी पहले ग्लास पानी पी के. अब दूसरा ग्लास पानी पीते हैं तो उससे इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना मजा आपको पहला ग्लास पानी पीने पर आया था, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत जोरों की प्यास लग रही थी, तो इतना मजा आप सेकेंड ग्लास पानी पीने पर नहीं आएगा. तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जितनी आपको फर्स्ट ग्लास पानी पीने पर मिली थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई है सेकंड ग्लास पानी पीने पर. उसके बाद अगर आप थर्ड ग्लास कंज्यूम करते हैं वाटर का, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी जो आपको सेकंड ग्लास पीने पर मिली थी वो अब थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्योंकि आपने दो ग्लास पानी पी लिया था. अब जो थोड़ी बहुत भी प्यास बची होगी वो आपकी खत्म हो गई थी दो ग्लास पानी पीने के बाद, लेकिन फिर भी आप तीसरा ग्लास पानी पीते हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थोड़ी सी और कम हो गई. जब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में टीयू और एमयू के बीच में, तो वहां पर भी सेम यही था कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे टीयू इंक्रीज होता जा रहा था, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी थी वो जो कम होती जा रही थी. तो लॉ ऑफ डीएमयू में यही बताता है, जैसे जैसे हम किसी भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है या फिर सेटिस्फैक्शन होता है वो सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है. आपने तीन ग्लास पानी पी लिया, अब मान लीजिए आपको चौथे ग्लास पानी को जबरदस्ती पिला देता है कि भाई गर्मी का मौसम है एक ग्लास पानी और पी ले, तो आपको सेटिस्फैक्शन शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके थे तीन ग्लास पानी पी के. तो जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका तीसरा ग्लास पानी पीने के बाद था, उतना ही अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका चौथा ग्लास पानी पीने के बाद भी रहेगा, क्योंकि आपको पानी पीने की जरूरत ही नहीं थी, आपकी नीड कंप्लीट हो चुकी थी तीन ग्लास पानी पीने के बाद. उसके बाद अगर जबरदस्ती आप पांचवा ग्लास पानी पी लेते हैं तो हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, आपसे पिया ही ना जाए. तो ये वो वाला केस है जो हमने रिलेशनशिप में देखा था कि जब टीयू जब कम होना स्टार्ट हो जाता है तो एमयू चला जाता है नेगेटिव में. तो लॉ ऑफ डीएमयू हमें फाइनली ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, वो हम देख लेते हैं. तो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं लॉ ऑफ डीएमयू को, एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से ये जाना जाता है. एंड द थर्ड इज गोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन. गोसेस एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम से भी इस लॉ को जाना जाता है. तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप समझ जाना कि आपको लॉ ऑफ डीएमयू ही डिस्कस करना है. जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो डेफिनेशन के बाद हम उसके अजम्पशंस देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें एज्यूम करके चलनी है. तो जब हम लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ते हैं तो ये सारे कुछ अजम्पशंस है जो हमें एज्यूम करने होते हैं
सो द फर्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल. जब हम लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ते हैं तो हमें एज्यूम करना होता है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है. इसका ये मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर है उसे पता है कि वो कौन सी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसे कितने अमाउंट में कंज्यूम करना है, उसे समझ आएगा कि उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है. दिस वॉज द फर्स्ट अजम्पशन. एंड द सेकेंड इज कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी. कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो तीन चार चीजें एक साथ कंज्यूम किए जा रहा है, एक टाइम पे वो एक ही चीज को कंज्यूम करेगा. एंड द थर्ड इज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूस. जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा होता है तो वो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. जैसे हम वो पानी वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कंज्यूमर एक ग्लास पानी पी रहा है उसके बाद अगर जब वो दूसरा ग्लास पानी पिएगा तो ऐसा नहीं कि वो कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन दूसरा ग्लास पानी पिएगा. एक ग्लास पानी खत्म होने के बाद ही उसको दूसरा ग्लास पानी कंज्यूम करना है और उसके बाद ही उसको तीसरा ग्लास कंज्यूम करना है. एंड द फोर्थ इज ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. हमें ये एज्यूम करना होता है कि जो कंज्यूमर है वो किसी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है. पानी वाले एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एज्यूम करना होगा कि वो भी कंज्यूमर पानी पी रहा है तो वो एक ग्लास पानी पी रहा है, उसके बाद दूसरा ग्लास पानी पी रहा है, उसके बाद तीसरा ग्लास पानी पी रहा है, तभी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी. अगर वो एक ही चम्मच करके पानी पिएगा, पहले उसने एक चम्मच पी लिया, फिर दूसरा चम्मच पी लिया, फिर तीसरा चम्मच पी लिया, ऐसे तो उसका सेटिस्फैक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा. एक चम्मच पानी तो तुम कितना भी पिए जाओ बहुत टाइम तक उसका सेटिस्फैक्शन खत्म ही नहीं होगा. इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है किसी कमोडिटी की. तो ये सारे अजम्पशंस थे. अजम्पशंस के बाद हम इस लॉ को समझने के लिए शेड्यूल की हेल्प लेंगे एंड डायग्राम की हेल्प लेंगे. तो अब हम शेड्यूल देखते हैं. यहाँ पे मैंने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखी है एंड उनसे मिलने वाला एमयू लिखा है. तो जब हमने फर्स्ट यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करी तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था या फिर मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 8 यूटिल्स. फिर जब हमने सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करी, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया उस कमोडिटी का, तो फिर जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलने वाला था वो थोड़ा सा कम हो गया. पहले 8 यूटिल्स था, अब वो 6 यूटिल्स हो गया. उसके बाद जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया उस कमोडिटी का तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा और कम हो गया, अब वो हो गया 4 यूटिल्स. ऐसे जो हमने उसकी कमोडिटी हम बढ़ाते गए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो हमने यूनिट कंज्यूम किया उस कमोडिटी का, तो एमयू जो है वो और कम होता गया और आते आते वो नेगेटिव में चला गया. तो इस शेड्यूल को अब हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे. तो जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया कमोडिटी का तब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था वो था 8 यूटिल्स. उसके बाद जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको सेटिस्फैक्शन मिला था 6 यूटिल्स का. तो 6 को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे. एंड जब उसने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको सेटिस्फैक्शन मिला 4 यूटिल्स का. उसके बाद जब उसने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो उसे मिला 2 यूटिल्स का. तो फोर्थ पे यहाँ पर उसको 2 यूटिल्स प्लॉट कर देंगे. उसके बाद जब उसने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, फिफ्थ यूनिट उसने जबरदस्ती कंज्यूम कर लिया, उसको सेटिस्फैक्शन कुछ मिला ही नहीं, वो सेटिस्फैक्शन चला गया 0 पे. उसने जबरदस्ती वो वाला यूनिट कंज्यूम कर लिया, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला बिल्कुल भी, वो कंज्यूम करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसने कर लिया. उसके बाद जब उसने 6 यूनिट उसने कंज्यूम कर लिया, फिफ्थ के बाद जबरदस्ती 6 यूनिट और कंज्यूम कर लिया, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन था वो अब नेगेटिव में चला गया. उसे झेलना मुश्किल हो रहा था उस कमोडिटी को, तो सेटिस्फैक्शन था वो चला गया नेगेटिव में. तो इसको हम सारे पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास एमयू. तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ डीएमयू की डेफिनेशन में पढ़ा था, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है. वही हमने एक शेड्यूल में दिखा दिया. उससे पहले हम अजम्पशंस लेंगे, फिर हम शेड्यूल में दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे. तो ये लॉ ऑफ डीएमयू कंप्लीट हो गया. अगर एग्जाम में आता है कि आप लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन कीजिए तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. कभी कभी 4 मार्क्स का आता है एंड कभी कभी 6 मार्क्स का आ जाता है. आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद अजम्पशंस लिखेंगे, फिर शेड्यूल बनाएंगे और फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इस वीडियो में इतना ही. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना.